दोस्तों अब मैं पहुंच चुका हूं यहां पर जलियांवाला बाग पे और आपको दिखाता हूं अंदर का दृश्य। ये देखिए जलियांवाला बाग है सामने ये, और मैं आपको अंदर ले चलता हूं और आगे का दिखाते हैं क्या अंदर क्या क्या है अंदर। तो आप बने मेरे साथ। ये सामने दरबार साहब है, सामने देख रहे हैं आप दरबार साहब है ये सामने, और यहाँ इधर ये सामने जलियांवाला बाग अंदर जिसकी मूर्ति कर रहे हैं अंदर। अब चलते हैं अंदर। ये वो कुआं है जहाँ पर जब जनरल डायर ने गोलियां चलाई थी तो कई लोग बचने के लिए इसमें कूद गए थे और कई इसमें भी जाने गए थे कई लोगों की। ये वो कुआं है, ये देखिए। ये आज इसको 104 साल हो गए हैं, जैसे कि 1919 में गोलियां चलाई थी, आज भी गोलियों का निशान यहाँ पर मौजूद है। देखिए आप, इसमें कई हजार लोगों की जाने गई थी जब जनरल डायर ने गोलियां चलाई थी। ये वो स्मारक अभी आज भी मौजूद है। क्या गोलियों के चिन्ह है जहाँ पर सफेद दाग लगा रखे हैं, बना रखा है, इसमें गोलियों के निशान आज भी हैं यहाँ पर। यहाँ देखिए मैं दूसरी साइड आया हूँ, यहाँ भी देखिए गोलियों के निशान बिल्कुल लगे हुए यहाँ पर। और इस बात को आज 104 साल हो गए हैं और इस जगह को ऐसे संभाल कर रखा हुआ है। जब उसके सैनिक डायर के साथ में जो फोर्स थी साथ में, उन्होंने 90 लोगों पर गोलियां बरसाई थी, तो उसी के निशान है। ये देखिए ये दीवारें आज भी मौजूद हैं। आप देख रहे हैं अब ये शहीदी स्मारक, ये उन्हीं लोगों की याद में बनाया गया था। इसके अंदर ये कमल के फूल खिले हुए हैं, देखिए आप। ये वही जगह है जहाँ पर वहाँ से एंट्री गेट है और वहीं से जनरल डायर एंट्री की थी, और सारे लोग यहाँ पर हजारों की संख्या में लोग मौजूद थे यहाँ पर। इस बात को आज 104 साल हो चुके हैं और ये पूरे यहाँ पर लोग थे उस टाइम। उन्होंने बहुत ही बर्बरता से गोलियाँ बरसाई और हजारों लोगों की जान गई। कुछ लोग वो स्मारक कुआं सामने उसमें उन्होंने जान कूद कर जान बचाई, कुछ उसमें काफ़ी लोग उसमें भी मर गए।
और यहाँ पूरे गोलियों के निशान, सामने गोलियों के निशान है, पूरे इसमें गोलियों के निशान लगे हुए चारों तरफ। आज भी उन गोलियों के निशान यहाँ पर दीवार पर मौजूद हैं, सामने भी। और ये जलियांवाला बाग है और इसमें जनरल डायर ने बर्बरता से गोली बरसाई थी, जो क्रांतिकारी थे हमारे, उन क्रांतिकारी, ताकि वो हमारे देश को आजाद ना करा सके। ये देखिए, यहाँ भी गोलियों का निशान है। अगर आप सभी को भी यहाँ कभी आने का मौका मिले तो आप जरूर आइए यहाँ पर जलियांवाला बाग में और देखिए क्या इतिहास लिखा हुआ है। इन्हें 3 गैलरियाँ बना रखी हैं, उन्हें पूरा दर्शाया गया है कि कैसे कैसे आंदोलन करके हमारे देश को आज़ाद कराया गया और कैसे कैसे क्रांतिकारियों ने कितनी क्रूरता सही अंग्रेजों द्वारा, ये आप सब देखेंगे इसमें आकर इतिहास में। तो आप जब भी यहाँ अमृतसर साहिब आएँ तो आप इसको विजिट करना ना भूलें। बिल्कुल ही गेट के सामने ही है जलियांवाला बाग और इसमें आज भी निशान मौजूद हैं उस बर्बरता के, जो उस टाइम डायर, जनरल डायर ने की थी। तो आप जब भी आएं अमृतसर साहिब तो यहाँ ज़रूर इसको एक्सप्लोर करें। ये हमारे एक अंकल जी हैं, ये मिले हमें गुजरात से आए हुए हैं और आपका नाम क्या जी? अमृत देवी पटेल, विसनगर तालुका से, कौसा गांव के वतनी। हाँ जी, ये जलियांवाला बाग पहुंचे हुए हैं और बहुत बहुत धन्यवाद इनका, जो इन्होंने हमारा चैनल सब्सक्राइब किया और आगे मिलते रहेंगे और देखते रहेंगे ये भी। ठीक है, थैंक यू। एक अमर ज्योत का स्मारक बना रखा है इन्होंने जलियांवाला बाग में, जो शहीद हुए सभी लोगों के याद में ये अमर ज्योति जलती रहती है 24 घंटे। देखिए आप, और आगे एक नया ब्लॉक बनेगा, वो हमारा अलग बनेगा, ये जलियांवाला बाग के ब्लॉक अलग बनेगा। तो थैंक यू जिन्होंने हमारे ब्लॉग को देखा और हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, हमारे चैनल सब्सक्राइब करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।